दिया प्रभु ने? चिंता का कोई कारण नहीं स्वामी, इस समय मर्यादावश उत्तर नहीं देंगे, किंतु मेरे सम्मुख मर्यादा का ऐसा कोई बंधन नहीं, मैं आपको उत्तर देने की स्थिति में हूँ। तो बताएं देवऋषि। नंदी, माँ शक्ति ने अवतार इस हेतु लिया है कि वो भगवान भोलेनाथ की जीवन संगीनी बन सके। ये तो शुभ समाचार है। अति उत्तम, किंतु ये तो बताएं कि उनके दर्शन कब होंगे? नंदी, समय की प्रतीक्षा करना उचित होगा। नारायण नारायण नारायण। समय के साथ साथ जब तुम बड़ी हो जाओगे पार्वती, तब भी सदा स्मरण रखना, ओंकार आदिनाद है, आदि स्वर है, आदि ध्वनि है। पार्वती, तुम्हारी प्रसन्नता सदा शिव महेश्वर में ही निहित है, और महेश्वर का अक्षर स्वरूप ओंकार ही सर्वशक्तिमान है। क्या हुआ पार्वती, क्या हुआ? तुम एक रुक क्यों गई? कुछ तो बोलो पार्वती। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मंगल, ओम नमः शिवाय। पुत्र, तू माँ की पुकार सुनेगा, नमः शिवाय, तभी तो भगवान तेरी पुकार सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। माँ, तुम यहाँ भी चली आई, पर क्यों? यही कहने कि भगवान शिव सर्वव्यापी हैं, यहाँ काशी में भी उनका वास है और कैलाश में भी वे ही विद्यमान हैं। चल पुत्र, घर चल, वहाँ चलकर शिव की आराधना भी करना और अपनी उपस्थिति से मेरे मन को शांत भी करना। माँ, यदि भगवान शिव सर्वव्यापी है तो तुम भी तो सर्वविद्यमान हो, कहाँ नहीं हो तुम? ये जग तुम पर ही तो टिका हुआ है, यहां से मुझे ले जाने की अपेक्षा तुम भी भगवान शिव का स्मरण करो, इससे हम दोनों का कल्याण होगा। बैठो माँ, बैठो, मेरे साथ बोलो माँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। क्षेमे सति रात्रौ ग्रामांतरं न गच्छै, अर्थात रास्ता अच्छा होने पर भी रात हो जाने पर एक गांव से दूसरे गांव नहीं जाना है। स्वमुखात लज्जा करम दुख करम अमंगलकारी न कर्तव्यम, अर्थात अपने मुख से लज्जा लगे ऐसा अन्य को दुख देने वाला अमंगलकारी वार्तालाप नहीं करना है। सप्तपदी मनुस्तृत्य बर्तुर ग्रहे सेवा कर्तव्या, अर्थात सप्तपति का अनुसरण कर पति के घर पर सेवा करनी है। धन्य हो पार्वती, अपने अथक परिश्रम, लगन और माता सरस्वती की असीम कृपा से तुमने सभी अपेक्षित विषयों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तुम्हारा बुद्धि कौशल और तर्क शक्ति देखकर मैं अति प्रसन्न हो रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि भविष्य में तुम जीवन में साफल्य प्राप्त करोगी। नारायण नारायण। प्रसन्नता की बात है कि देवी पार्वती की शिक्षा पूर्ण हो गई।
प्रणाम देवर्षि। पधारें देवर्षि, आपका पधारना सदा शुभ होता है। सदा तो नहीं मुनिवर, किंतु कभी कभी अवश्य होता है, जैसे आज। आज देवी पार्वती की शिक्षा पूर्ण हुई। ये सब गुरुदेव की कृपा का परिणाम है। हाँ देवी हाँ, मैं कहाँ इसे अपनी कृपा का परिणाम बता रहा हूँ। गुरु की कृपा के बिना ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं। और देवर्षि की कृपा बिना संयोग भी तो नहीं बनता। कैसा संयोग मुनिवर? वर प्राप्ति का, विवाह का संयोग। मुनिवर आप तो दूरदर्शी हैं। केवल दूरदर्शी, किंतु आप तो त्रिकालदर्शी हैं देवर्षि। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। 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 ॐ 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 नमः शिवाय। उठो मंगल, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। देवादि देव भगवान, धन्य हो गए हम दोनों आपके पुण्य दर्शन पाकर। मंगल की तपस्या सफल हुई। मंगल उठो, अब तुम्हें आकाश के ग्रहलोक में जाकर स्थित होना होगा। आकाश के ग्रहलोक में? हे शिव शंकर, मेरी कथा सुनो और मेरी व्यथा जानो। ये जिस दिन से उत्पन्न हुआ है, उस दिन से आज तक मैं इसे मिल नहीं पाई हूं। आपके द्वारा प्रदत्त यह पुत्र बालपन से आपकी आराधना में प्रवृत्त हो गया। जब इसकी आयु मुझे मां कहकर पुकारने, मेरे मन को ममत्व से आंदोलित करने, मेरे वात्सल्य प्रेम को उभारने और उसे अभिव्यक्त करने का मार्ग देने की थी, उस दिन भी वो आपका नाम स्मरण कर रहा था और आज भी आपका जाप करता है। इसे मेरे पुत्र होने का सुख भले ही प्राप्त हुआ होगा, किंतु मुझे इसकी मां होने का सुख आज तक नहीं मिला। इसने कहा था आपके दर्शन का लाभ होने के पश्चात यह मुझे मां का स्थान अवश्य देगा, किंतु उससे पहले तो आप इसे आकाश के ग्रह लोक में स्थान देने के इच्छुक हैं। फिर मैं क्या करूंगी? मैं कहां जाऊंगी भगवान? मेरा क्या होगा? पुत्र के होते हुए भी मैंने पुत्र रहूंगी? शांत हो जाओ धरणी, शांत हो जाओ। सत्य तो यह है कि मंगल ने ग्रह मंडल में स्थान प्राप्त करने हेतु ही मेरे स्वेच्छ से जन्म लिया है। उसका निश्चित स्थान आकाश में स्थित ग्रह मंडल में ही है। भगवान, यदि इसके जन्म का हेतु यही था तो आपने इसे पुत्र के रूप में मुझे प्रदान कर मेरे मन को ममत्व से क्यों जागृत किया? कहां जाए युवा पुत्र की वह मां जिसका ममत्व निरुत्तर है? देवी, तुम्हें इस प्रकार विलाप करना शोभा नहीं देता। जगत तुम्हें सहनशीला और क्षमाशीला मानता है। तुम शालीनता की प्रतिमूर्ति हो। भूमि, अचला, धरणी आदि संबोधनों से भी जगत तुम्हारा सम्मान करता है। जगत की संपूर्ण नारी जाति के लिए तुम एक अनूठा आदर्श हो। दुख और पीड़ा देने वाले के प्रति भी तुम दयावान, क्षमावान और धैर्यवान रहती हो।
ऐसे विराट गुण और आदर से पूर्ण होकर भी तुम पुत्र वियोग से विचलित हो रही हो। ये स्थिति तुम्हारे गुण और धर्म से सर्वथा विपरीत है। आपकी कृपा से सब कुछ हूँ भगवान, फिर भी माँ हूँ माँ। चिंता न करो दीना, मंगल तुमसे अधिक दूर नहीं रहेगा। सदा तुम्हारी आंखों के सम्मुख रहकर रक्तवर्णी ग्रह के रूप में अपना लाल प्रकाश फैलाता रहेगा। ओम नमः शिवाय। मत हो मां, मैं सदा नन्हे बालक की भांति तुम्हारी परिक्रमा करते हुए तुम्हारे पुत्र होने का कर्तव्य निभाता रहूंगा। तुम सदा मेरी समीपता का अनुभव करोगी, उसी प्रकार जैसे मां पुत्र के सामीप्य का अनुभव करती है। पिताश्री, क्या बात है पिताश्री? आपके श्रीमुख पर तो चिंता की रेखाएं उभर आई हैं। पुत्र के होते यदि पिता को चिंता करनी पड़े तो यह पुत्र के लिए बहुत दुख और लज्जा की बात है। कृपया अपनी चिंता का कारण बताएं। कुछ विशेष नहीं पुत्र मेरा, संतान जब युवा हो जाए तो उसके भविष्य की व्यवस्था करने का विचार आना स्वाभाविक ही है, और यह विचार ही कभी कभी चिंता का विषय बन जाता है। किंतु पिताश्री, आपको मेरे विषय में चिंता करने की क्या आवश्यकता है? आप पर विधाता की कृपा है और मुझ पर आपका आशीर्वाद, मेरा भविष्य तो उज्जवल है ही। पुत्र जब आशा से परिपूर्ण हो तो पिता को विश्वास हो जाता है कि उसके पुत्र का भविष्य उज्जवल है। पर मैना, तुम्हारे साथ साथ हमारी एक पुत्री भी है, तुम्हारी छोटी बहन। हाँ पार्वती, आप उसके विषय में चिंता कर रहे थे? हाँ, हम उसके लिए चिंता कर रहे थे और तुम्हारे लिए विचार। पार्वती अब बड़ी हो गई है, उसके लिए योग्य वर भी तो खोजना है। और मेरे लिए किस खोज पर विचार कर रहे थे पिताश्री? प्रजा के समर्थन पर। अर्थात? अर्थात तुम युवा हो गए हो मैना। कहते हैं पुत्र की ऊंचाई जब पिता के समान हो जाए तो उसका दायित्व तो बढ़ जाता है, विशेषकर राजपुत्र का। इस पर्वत प्रदेश पर राज्य शासन करते करते हम थक गए हैं और चाहते हैं कि इसकी बागडोर अब तुम संभालो। तुम युवराज हो, धर्म नीति परंपरा के अनुसार अब इसके शासन का उत्तरदायित्व तुम पर है पुत्र। आप निश्चिंत रहे पिताश्री, मैं सदैव आपके मार्गदर्शन में आपकी आज्ञा और आदेश का पालन करता रहूंगा। मुझे तुमसे यही आशा थी पुत्र, विधाता तुम्हें सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करें। अब मैं आज्ञा चाहूंगा पिताश्री। अवश्य पुत्र। स्वामी, आप अकेले में क्या सोच सोच के मुस्कुरा रहे हैं? महारानी, आप कब आई? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है स्वामी। ये मुस्कुराना तो प्रसन्नता का मुस्कुराना है महारानी। मैना की बात सुनकर मन गदगद हो गया। हमारा पुत्र बहुत ही बुद्धिमान और आज्ञाकारी है। पुत्र के गुणों पर मुग्ध हो रहे हैं आप, और पुत्री के विषय में क्या सोचा है आपने? उसकी शिक्षा पूर्ण हुई, अब वो सयानी और विदुषी हो गई है, उसके लिए हमें योग्यवर की खोज करनी है। महारानी, उसकी चिंता क्यों करती हो? तुमने स्वयं ही तो कहा है कि हमारी पुत्री विदुषी है, तो ऐसी योग्य कन्या के लिए वर पक्ष वाले स्वयं हमारे पास आएंगे।
नारायण नारायण। हिमालय राज, आप तो ज्योतिष विद्या के भी ज्ञाता है। आपका स्वागत है देवी जी। मेरा नमन भी स्वीकार करें देवी जी। कल्याण भव। आइए देवी जी। देवी जी, आपने हमें ज्योतिषी कैसे बना दिया? ये गुण तो आपका है महाराज। भविष्यवाणी जो अभी अभी आपने की है कि वरपक्ष वाले स्वयं आपके द्वार पर आएंगे। क्या ये संभव है? क्या ये सत्य हो सकता है? महाराज, आपको अपने ही कथन पर संदेह हो रहा है। आपने किसी न किसी विश्वास के आधार पर ही तो कुछ कहा होगा ना। पार्वती की बुद्धिमता के बल पर ही मैं समझता हूँ देव ऋषि कि उसे निश्चय ही सुयोग्य वर मिलेगा। फिर भी माता पिता को चिंता लगी ही रहती है। अब आप ही पार्वती के भविष्य के बारे में बताएं। आप दोनों की चिंता व्यर्थ है। पार्वती का भविष्य उज्जवल ही उज्जवल है। जब तक योग्य वर की खोज पूर्ण नहीं होती तब तक चिंता तो स्वाभाविक ही है ना देव ऋषि। ऐसा वे ही करते हैं जिन्हें विधाता के लेख पर विश्वास नहीं होता। कन्या के भाग्य का लेख तो उसके जन्म के पूर्व ही लिख दिया जाता है। आप दोनों ये सत्य मान ही ले कि आपकी पुत्री पार्वती भाग्यशाली कन्या है। माताश्री पिताश्री प्रणाम। सदा सुखी रहो पुत्री। देवर्षि को भी प्रणाम। देव ऋषि, आपने पार्वती को आशीर्वाद नहीं दिया। हाँ हाँ, पार्वती का सुहाग सदा अमर रहे। देव ऋषि, आप तो ज्ञानी और भविष्यवक्ता हैं, कृपया हमें बताएं कि हमारी पार्वती का वर कौन होगा। कौन होगा, ये प्रश्न तो बालकों जैसा है जिसका उत्तर देना संभव नहीं, क्योंकि समय से पहले सत्य का उद्घाटन करना केवल विधाता के ही हाथ में है। देव ऋषि, आप त्रिकाल दर्शी हैं, हमारी पुत्री की हस्त रेखाएं देखकर ये तो बताएं कि उसका वर कैसा होगा। कैसा होगा, ये एक जिज्ञासु प्रश्न है, उसके लिए उत्तर की अनेक अनेक संभावनाएं हैं। आप वही बताइए देव ऋषि। वो सब बताने में तो युग बीत जाएगा महारानी। युग बीत जाएगा। वर में असंख्य गुण हैं, कहां तक गणना करूंगा। प्रश्न यही है कि वर कैसा होगा। देव ऋषि, कुछ तो गुण बताएं, हमें उसी से संतोष हो जाएगा। तो सुनो हिमालय राज, वर का सर्वप्रथम गुण है कि वो परम संतोषी होगा। उसे किसी भी सुख संपदा और वस्तु के प्रति कोई भी आग्रह और आकर्षण नहीं होगा। ये तो साधारण गुण है देव ऋषि। नारायण नारायण, इसे आप साधारण गुण कह रहे हैं? ये सर्वश्रेष्ठ और असाधारण गुण है। कलयुग में ये एक गुण सभी गुणों पर भारी पड़ेगा, तब कन्या के माता पिता ऐसे ही वर की खोज में रहेंगे जो परम संतोषी होगा। आगे बताएं देव ऋषि। पार्वती के होने वाले पति संपूर्ण जगत द्वारा पूज्य एवं सभी शक्तियों से और दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण होंगे। क्या कोई देवता होगा? संभव है, संभव है, क्योंकि तनिक सी प्रशंसा से प्रसन्न होने वाले हैं। अर्थात प्रशंसा प्रिय होगा। हिमालय राज, प्रशंसा उसी की होती है जो उसके योग्य होता है। उचित कहा आपने। और नारायण नारायण, कहा था ना मैंने, उनके गुणों की गणना करते करते युग बीत जाएंगे। अब तक मैंने इतने गुण बताए, क्या संतुष्टि नहीं हुई? क्या ये पर्याप्त नहीं है? वर के विषय में जिज्ञासा तो होती ही है ना देव ऋषि। हिमालय राज, वर का संतोषी सभी गुणों से परिपूर्ण और जगत में सभी द्वारा पूज्य होना, क्या ये भी पर्याप्त नहीं? पर्याप्त है देव ऋषि। नहीं नहीं, पर्याप्त नहीं है। शेष गुणों का गान और गणना आगामी भेंट में होगी। नारद विदा लेता है। नारायण नारायण। स्वामी, सुना आपने, हमारी पुत्री पार्वती भाग्यशाली है।
उसे ऐसे सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। हमारी पुत्री है भी तो गुणों का भंडार महारानी। ऐसी कुदृष्टि ना लगाइए मेरी पुत्री को। विधाता उसकी रक्षा करे। पार्वती अब कुछ बोलना, गुंगी बनी क्यों खड़ी है? अरे जया कैसी निर्बुद्धि है तू, गुड़ खाकर भी गुंगा कभी कुछ बोलता है क्या? हाँ रे, गुड़ का मीठा मीठा स्वाद और आनंद भीतर ही भीतर लेता है। बहुत बोलने लगी हो तुम दोनों। ठीक है अब हम कुछ नहीं कहेंगे, तू ही बोल। अच्छा ये बता, देवर्षि ने हमारे होने वाले जीजा के कौन कौन से गुण बताए? क्या क्या बताया उन्होंने? तेरा विवाह कब होगा? वो कौन सी घड़ी होगी जब हमें तुम्हारे वियोग का दुख झेलना होगा? चल रही मूर्ख, ऐसे भी कोई पूछता है क्या? ये पूछ के दुल्हा राजा कब आएंगे और हमारी सखी पार्वती को दुल्हन बनाकर कब ले जाएंगे? जाओ मैं तुम दोनों से बात नहीं करती। हाँ री हाँ, अब तुझे समय भी कहाँ मिलेगा हमसे बात करने का? अब तो तू मन ही मन उनसे बात करती होगी। जया अब तो हम दोनों ही बातें किया करेंगे। और उपाय भी क्या है, अभी से अभ्यास कर लेते हैं। अच्छा अभ्यास करना है, करो अभ्यास। सखियों के संग खेल कूद और हास परिहास में पार्वती इस सत्य को सर्वथा भूल चुकी थी कि वो शक्ति का अवतार है, इसीलिए वो एक सामान्य कन्या की भांति भावी पति की छवि सदा मन में संजोई रहती थी। दूसरी ओर भयग्रस्त देवगण भविष्य की शंकाओं के निराकरण के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंचते हैं, जहां शिवगण अपने स्वामी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण ॐ नमः शिवाय 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 हर 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 महादेव हर 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 महादेव आओ नारद अपने आने का प्रयोजन कहो। महादेव हम सब आपसे कुछ निवेदन करने आए हैं। जानता हूं नारद, आप लोग जब भी आते हैं निवेदन करने ही तो आते हैं, कहो। देवराज कह दो अपने मन की बात। नहीं देवऋषि, जो भी कहना है आप ही कह दें। ऐसा कौन सा विषय है जिसे नारद और देवराज दोनों को कहने में संकोच हो रहा है? भगवान संकोच केवल इतना ही है कि एक ही विषय के लिए हम आपको बारंबार कष्ट देने आ पहुंचते हैं। विषय और प्रयोजन कहो नारद। शक्ति अवतार को प्रकट हुए अधिक समय बीत गया है तो पार्वती अब विवाह योग्य हो गई है। भगवान नारद तुम उन बातों की चर्चा क्यों कर रहे हो जो मैं स्वयं जानता हूं? नारायण नारायण। देवेश्वर ऐसा कौन सा विषय है जो आपको ज्ञात न हो? आपको तो ये भी ज्ञात होगा ही कि हम आपसे यही प्रश्न करने आए हैं कि आप देवी पार्वती से कब विवाह करेंगे, उन्हें अपनी जीवन संगिनी कब बनाएंगे, शिव पार्वती का विवाह कब होगा, इस ओर से आपकी उदासीनता कब पूर्ण होगी? बस नारद बस, अपने प्रश्नों की गति को विराम दो और तनिक विश्राम करो। मेरे लिए तो विश्राम ही विश्राम है भगवान, परंतु इन देवगण का क्या होगा जिनका भविष्य
आपके आश्रय पर आधारित है। ऐसा बार बार क्यों होता है? कैसा भगवान? देवगण को आश्रय की आवश्यकता पड़ती है। ये सब प्रतिकूल परिस्थितियों का परिणाम है देवादिदेव। केवल प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल आचरण नहीं महादेव। प्रतिकूल परिस्थितियां अथवा आचरण जो भी था उसका परिणाम तो इन लोगों ने भोगा ही है भगवान, किंतु अब कष्ट से मुक्ति का विचार करना है। मात्र विचार करने से कार्य नहीं होता नारद, हर कार्य का नियत समय होता है। उस समय का समय कब आएगा भगवान ये बता दे तो उचित होगा। नारायण नारायण। इस समय इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं। तो हम पुनः कब आएं देवादिदेव? उसकी क्या आवश्यकता है? अनावश्यक प्रश्नों का हल पूछने हेतु आप बार बार यहाँ आते हैं और हमारा ध्यान भंग करते हैं, बार बार हमारी समाधि में विघ्न डालते हैं। जो घटित होने वाला है वो समय आने पर अवश्य घटित होगा, कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। आप सभी का उद्विग्न होना व्यर्थ है, धैर्य पूर्वक समय की प्रतीक्षा करें। किंतु भगवान। नारद, तुम्हारे इस किंतु परंतु का तो कोई अंत ही नहीं। तुम देवगण को धैर्य धारण करने में सहयोग दो। ओ देवऋषि। नंदी, समय की प्रतीक्षा करो। परंतु देवऋषि। देवराज इंद्र, शिवाज्ञा मानकर धैर्य धरो। नारायण नारायण। प्रणाम गुरुवर। अखंड सौभाग्य विधि भव। कहूं मैं नारानी, यहाँ किसकी प्रतीक्षा में खड़ी हूँ? गुरुवर, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। विराजिए। मेरी? जी। भला क्यों? देवऋषि नारद ने पार्वती के विषय में भविष्यवाणी की है, अर्थात उसके भावी पति के विषय में, परंतु उन्होंने स्पष्ट कुछ भी नहीं बताया, केवल वर के गुण और लक्षण बताए हैं। मेरे मन में जिज्ञासा बलवती हो रही है कि ऐसे गुण और लक्षण वाला कौन हो सकता है। वहाँ पार्वती और अन्य के समक्ष प्रश्न करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। ओ, तो ये बात है। अच्छा मैना रानी, ये तो बताओ, देवर्षि ने भावी वर के कौन कौन से गुण व लक्षण बताए थे? उन्होंने कहा था वो परम संतोषी होगा, संपूर्ण जगत द्वारा पूज्य और दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण होगा, वो तनिक सी प्रशंसा से प्रसन्न होने वाला होगा, और ये भी कहा था। बस मैना रानी बस, इस जगत में ऐसे गुणों व लक्षणों वाला अन्य कोई भी नहीं है। ये सारे लक्षण तो भगवान शिव जी के ही हैं। भोलेनाथ शिव शंकर। देवर्षि नारद की भविष्यवाणी सत्य ही होगी, कारण कि पार्वती का पति भगवान शिव शंकर के अतिरिक्त अन्य कोई हो ही नहीं सकता। ये शिव और शक्ति का मिलन होगा और जो होगा शुभ ही होगा। क्या हुआ महारानी? कहां क्या हुआ? तुम्हारे मुख पर और कहां, चिंता की रेखाओं ने तुम्हारे मुख को घेर लिया है। स्वामी, मैं आप ही के पास आ रही थी। मैं आपके पास आ गया? कहो क्या बात। देवऋषि नारद ने पार्वती के भावी वर के विषय में जो गुण और लक्षण बताए थे वो स्मरण है आपको? हाँ स्मरण तो है। महर्षि गर्ग बता रहे थे कि वो सारे गुण और लक्षण भगवान शिव के हैं। भगवान शिव के गुण? क्या महर्षि गर्ग ने ऐसा कहा? हाँ स्वामी, मेरा मन तो भावी आशंका से आशंकित हो रहा है, भला एक राजकुमारी का पति एक योगी कैसे हो सकता है? आप हंस रहे हैं? हाँ महारानी, दुख और चिंता का कोई भी कारण नहीं। सत्य तो यह है कि भगवान शिव के विषय में हमारा ज्ञान अपूर्ण है, और जब तक ये ज्ञान पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक भगवान शिव का पूर्ण विवरण नहीं मिल जाता,
तब तक हमें धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। चलो देवी आओ। ओ, तो ये बात है, चुपके चुपके उनकी चर्चा सुनी जा रही है। कैसी चर्चा, किन की चर्चा? ले जया बताई से, हम उनके किन की चर्चा कर रहे हैं? अरे जिसे पता है, जिसका मन अटका हुआ है वो नहीं बता सकती, तो ये बेचारी जया कैसे बता सकेगी? तुम दोनों हर समय मुझे तंग करती रहती हो। देखनी सखी, पार्वती को हर समय तंग करना भला नहीं है। ठीक है, भविष्य में हम हर समय नहीं, कभी कभी तंग करेंगे, क्यों? ठीक है ना? फिर वही। अरे क्या फिर वही, भीतर मन में तो लड्डू फूट रहे हैं और ऊपर से स्वांग रच रही हो। सखियों से मन की बात छिपाना अच्छी बात है क्या? बोल बोलना, अच्छी बात है क्या? नहीं। तो फिर बताना। क्या मन की बात? क्या बात? फिर लगी स्वांग करने। देखो हम उनकी बात कर रहे हैं जो भविष्य में बारात लेकर आएंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। वो कैसा सुखद क्षण होगा जब मुझे ले जाने के लिए मेरे आराध्य भोलेनाथ आएंगे। मैं उस क्षण की, वो अपने आराध्य भोलेनाथ की प्रतीक्षा करूंगी। आपने मुझे बुलाया भगवान? हाँ नंदी। आप क्या करें प्रभु? नंदी, यहाँ कैलाश पर हम एक भाव से समाधि में नहीं बैठ सकते। क्यों क्यों भगवान? देखते नहीं, कभी नारद तो कभी इंद्र और देवगण आकर हमारी समाधि में विघ्न डालते रहते हैं। वे तो आपकी कृपा प्राप्ति के हेतु आते हैं भगवान। नंदी, जो कृपा के योग्य होते हैं उन्हें हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं उनके पास पहुंच जाते हैं। रहे नारद, वे यहाँ कृपा प्राप्ति हेतु नहीं, कृपा दिलवाने हेतु आते हैं। प्रभु, सभी आपकी महिमा का गान करते हैं। किंतु नंदी, यदि हम ध्यान नहीं लगाएंगे तो कृपा और महिमा का अर्थ समाप्त हो जाएगा। आज्ञा करें प्रभु, क्या करना है? हमने कैलाश त्यागने का निश्चय कर लिया है। कैलाश का त्याग? किंतु भगवान, आपके बिना मैं कैसे रह सकूंगा? चिंता ना करो नंदी, तुम भी हमारे साथ चलोगे। जो आगे भगवान। ध्यान रहे कि मेरे साथ केवल तुम आ रहे हो, अन्य कोई गण नहीं। और कोई भी नहीं आएगा साथ में? आना क्या, किसी को इस बात की सूचना भी नहीं होगी कि हम कहाँ गए हैं और कहाँ प्रवास कर रहे हैं। कब चलना है भोलेनाथ? अभी इसी समय आओ। पिताश्री, हमारे द्वारा आयोजित सर्व पर्वत सम्मेलन एक अनूठा सम्मेलन होगा जिसमें सभी पर्वत सम्मिलित होंगे और वो हमारा प्रभुत्व भी स्वीकार करेंगे। पुत्र मैनाथ, प्रभुत्व स्वीकार करवाने की चेष्टा को शुभ नहीं माना जाता। ऐसी चेष्टा करने वाले की आभा और प्रतिभा दोनों नष्ट हो जाती हैं। तो फिर सर्व पर्वत सम्मेलन के आयोजन का प्रयोजन क्या है? पारस्परिक सद्भाव, मैत्री और बंधुत्व की भावना को बढ़ाना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी इस संगठन के अधिपति का चुनाव करना आवश्यक है पिताश्री। मैं तो चाहूंगा कि आपके नाम की पूर्व घोषणा कर दूं कि आप ही इस सम्मेलन और संगठन के अधिपति हैं। मैनाक, तुम मेरे पुत्र हो, मुझसे शत्रुता क्यों करना चाहते हो? क्यों ऐसा कार्य करना चाहते हो जिससे मेरा लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाएं? ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? मैं आपसे शत्रुता करूंगा, आपका लोक प्रलोक नष्ट करूंगा? ये विचार आपके मन में आया कैसे? आप मेरे पिता हैं, मैं आपका अहित करूंगा? नहीं पिताश्री, कदापि नहीं। देखो मैनाक, पिता अथवा पुत्र, यदि उन दोनों में से कोई भी अपने पिता या पुत्र के लिए अनुचित और अनाधिकार रूप से, अनीति और अन्याय से प्रभुत्व, पद, अधिकार, संपत्ति या संपदा प्राप्त करना चाहता है तो वह लौकिक और पारलौकिक दोनों ही दृष्टि से पाप का भागी कहलाता है। दोनों को अंत में असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है। इसलिए पुत्र,
ऐसे प्रभुत्वाधिकार वपद से दूर ही रहना चाहिए जो अनाधिकार रूप से प्राप्त किया जाए। महाराज की जय हो। कैलाशपति शिव का दूत नंदी आपसे भेंट करने की अनुमति चाहता है महाराज। नंदी, कैलाशपति का दूत यहां? प्रतिहारी, उन्हें आदर सहित यहां ले आओ। जी महाराज। कैलाशपति शिव का दूत हमारे यहां किस प्रयोजन से आया है? भेंट करने पर ज्ञात हो जाएगा पुत्र। हिमालय राज की जय हो। चराचर पति देवेश्वर सदा शिव के सेवक नंदी का प्रणाम स्वीकार हो। आओ नंदी, आपका स्वागत है। कहिए, क्या समाचार लाए हो? समाचार नहीं लाए हैं हिमालय राज, हम तो अनुमति लेने आए हैं। अनुमति लेने? स्पष्ट कहिए नंदी। भगवान शिव शंकर आपके हिमगिरी शिखर पर कुछ समय के लिए एकांत ध्यान समाधि लगाना चाहते हैं, क्या आप इसकी अनुमति देंगे? कैलाशपति को भी अनुमति की आवश्यकता है नंदी। यह तो हमारा अहोभाग्य है कि कैलाशपति हमारे क्षेत्र में निवास करेंगे। ये सचमुच हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है नंदी। हमारी ओर से कैलाशपति को अनुरोध करें कि वे हमारे यहां अतिथि बनकर पधारें। हमारा समूचा परिवार उनके दर्शन से धन्य हो जाएगा। धन्यवाद हिमालय राज, मैं आपका संदेश कैलाशपति तक पहुंचा दूंगा। प्रणाम। पिताश्री, शिवजी को कैलाश पर्वत त्याग कर हमारे क्षेत्र में आने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? पुत्र मैनाक, जब विधाता को किसी प्राणी के सौभाग्य या दुर्भाग्य की रचना करनी होती है तो वे ऐसी परिस्थितियां और घटनाओं का निर्माण करते हैं जो साधारण मनुष्य की बुद्धि से परे है। किंतु कैलाशपति का हमारे क्षेत्र में पदार्पण निश्चय ही सौभाग्यपूर्ण होगा। कैलाशपति द्वारा किसी का आतिथ्य स्वीकार करना केवल सौभाग्य का ही नहीं अपितु प्राणी के लिए गौरव का विषय भी है। भोलेनाथ के कैलाश से प्रस्थान करने पर और ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी के अदृश्य हो जाने से शिवगण तथा देवगण दोनों ही अनिश्चितता की स्थिति में थे तथा सृष्टि की व्यवस्था में भी बाधा उपस्थित होने लगी थी। किंतु देवर्षि नारद इस रहस्य से पूर्ण परिचित थे कि शिव और ब्रह्मा ने अपना अपना स्थान क्यों त्यागा और वे कहां स्थिर हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारद, तुम फिर यहां आ गए। मैं ब्रह्मलोक से ये विचार करके यहां आया था कि यहाँ एकांत मिलेगा, किंतु तुम यहाँ भी मिलने चले आते। लगता है अब मुझे कहीं और स्थान ग्रहण करना पड़ेगा। परमपिता, यदि मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो मैं वहाँ भी अवश्य पहुँच सकता हूँ जहाँ आप जाएंगे। ये सब आप ही की कृपा का फल है। नारायण नारायण। अच्छा, अब कहो किस प्रयोजन से आए हो? परमपिता, प्रयोजन नया नहीं, देवताओं को स्वर्ग से हटाकर तारकासुर उन पर अत्याचार करता ही जा रहा है। देवताओं की दुर्दशा आप देख ही नहीं जाती। आपका वरदान पाकर तारकासुर अत्यंत उद्दंड और उच्छृंखल हो गया है। नारद, देवताओं की दुर्दशा का ज्ञान मुझे है। स्वयं देवराज इंद्र एवं देवगण कुछ समय पूर्व ब्रह्मलोक में आए थे। वे तारकासुर को स्वर्ग से हटाकर वहां पुनः स्थापित होने के लिए विकल है, लेकिन केवल इच्छा और विकलता से ही कार्य सिद्ध नहीं होता। तो कार्य सिद्धि के लिए क्या करना होता है परमपिता? उद्देश्य की पवित्रता ही कार्य सिद्धि का मेरुदंड है नारद। देवराज इंद्र तो स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त होते ही भोग और ऐश्वर्य में लिप्त होकर दैत्य एवं उद्देश्य दोनों भूल जाते हैं। सो तो तारकासुर भी भूला हुआ है, किंतु वो अब तक स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। तुम बार बार विधि का विधान भूलते हो नारद। तारकासुर का पुण्य जब समाप्त होगा
उस दिन उसके वरदान का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा, तब उसकी अधोगति होगी। किंतु वो दिन कब आएगा परमपिता, कब? उसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। भगवान भोलेनाथ भी यही कहते हैं और आप भी यही उत्तर देते हैं, किंतु आप दोनों में से कोई भी इस सत्य का उद्घाटन करने के लिए तैयार नहीं है। समय आने पर सब कुछ प्रकट हो जाएगा। किंतु वो समय कब आएगा? आपके वरदान के अनुसार शिवपुत्र ही तारकासुर का वध करेगा, किंतु शिवजी तो शक्ति स्वरूपा पार्वती का नाम सुनते ही और भी अधिक वैरागी हो जाते हैं। अब तो कैलाश छोड़कर और कहीं चले गए हैं। और कहीं चले गए हैं? तो क्या उनका कैलाश से जाना शुभ और कल्याणकारी हुआ? ऐसा ही लगता है। किंतु वो गए कहां परमपिता? क्यों, क्या तुम भी वहां जाना चाहते हो? नहीं नारायण, ये उचित नहीं होगा। भोलेनाथ ने कैलाश को ध्यान समाधि के लिए कुछ समय के लिए त्याग दिया है, इसलिए तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। इस समय केवल इतना कह सकता हूं कि यदि तुम देवराज व देवगणों का हित चाहते हो तो कुछ समय के लिए भोलेनाथ को एकांतवास करने दो, इसी में सबका कल्याण है। महारानी मैना, क्या सोच रही हो? आजकल तुम सोचने बहुत लगी हो। जब पुत्री युवा और विवाह योग्य हो जाती है ना, तो माता भी सोचने लगती है। केवल माता? कहो माता पिता सोचने लगते हैं। चलो हिमगिरी चलें और कैलाशपति के दर्शन करते हैं। चलिए। किंतु स्मरण रहे, नंदीश्वर कैलाशपति का संदेश दे गए हैं कि वो एकांत की खोज में हिमगिरी के शिखर पर आए हैं, इसलिए कोई भी उनकी ध्यान समाधि में बाधा न डाले। पैनाक, हम बाधा डालने नहीं जा रहे हैं पुत्र, हम तो दर्शनों के लिए जा रहे हैं। एक ही बात है पिताश्री, आपका वहां जाना आपके लिए तो दर्शन है किंतु उनके लिए विघ्न है। मैनाक, तुम भूल रहे हो, कैलाशपति हमारे अतिथि हैं, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है। सत्य तो यह है कि हम उन्हें अपनी सेवाएं अर्पित करने जा रहे हैं, और इसे दर्शन कहना मातृभाषा की उत्कृष्टता है। मैं तो कहूंगा तुम भी हमारे साथ चलो और पार्वती को भी यहीं बुला लो। हाँ पुत्र। सुनो नंदी, आज्ञा करें प्रभु। तुम इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखना कि कोई भी यहाँ आकर हमारी एकांत समाधि में विघ्न डालकर हमें बाधा न पहुंचाए। आप निश्चिंत रहें भोलेनाथ, मेरे होते हुए आपके समीप आने की कोई चेष्टा भी नहीं कर सकेगा। तुम कहते हो तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। ये स्थान तुम्हें कैसा लगा? स्थान रमणीक है हिमालय राज, और अति सुंदर भी, मन भावन भी। किंतु आपका यहाँ आना कैसे हुआ? हमने सोचा कैलाशपति महाराज शिव के दर्शन ही कर लें, इसलिए यहाँ आए। आपने जो सोचा उत्तम सोचा, आप दर्शन करने के लिए आए, सब परिवार आए हैं। हाँ, यहाँ सब जो आते हैं दर्शन के लिए ही आते हैं, समाधि लगाने कोई नहीं आता। समाधि? हाँ हाँ समाधि, भोलेनाथ ध्यान समाधि में लीन है, दर्शन संभव नहीं। दूरदर्शन भी संभव नहीं? अर्थात दूर से दर्शन, इस तरह दर्शन भी हो जाएंगे और समाधि भी भंग नहीं होगी। दूरदर्शन से भी किसी को लाभ हुआ है हिमालय राज? जिनकी आत्मा और उद्देश्य पवित्र होते हैं नंदी, उन्हें तो दूरदर्शन से ही लाभ होता है। अब दूरी से क्यों, समीप से दर्शन होंगे,
आओ देवी, चलिए आओ पुत्र। भोलेनाथ भोलेनाथ, हिमालय राज आए। देवाधिदेव कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय। नहीं, सर्वथा नहीं, कदापि नहीं। इस समय हम मोह माया से सर्वथा विमुक्त। तुम्हारे वियोग के पश्चात वैराग्य हमारे संपूर्ण अस्तित्व का एक भाग, एक अंग बन गया है। अब हम उस वैराग्य से दूर नहीं जाएंगे। स्वीकार किया, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कृपा करके हमें आदेश दें कि हम आपकी सेवा सुविधा के लिए क्या कर सकते हैं। हिमालय राज, हम कैलाश त्याग कर एकांत की खोज में यहां आए हैं। हमें एकांत चाहिए, सेवा सुविधा नहीं। आपसे हमारा विशेष अनुरोध है कि इस ओर किसी को भी आने की अनुमति न दी जाए। जैसा आप चाहेंगे कैलाशपति, वैसा ही होगा। किंतु आपकी सेवा करने और आपके लिए सुविधा जुटाने से आप हमें वंचित न करें। आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। आपकी सेवा से हमारे एकांत में बाधा पड़ेगी। ऐसी स्थिति में हमें स्थान त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाना होगा। नहीं कैलाशपति, हम अपने अतिथि को अप्रसन्न कदापि नहीं कर सकते। मुझे यहाँ रहकर आपकी मौन आराधना का अवसर और आज्ञा प्राप्त होगी? मैं आपके एकांत साधना में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचाऊंगी। नहीं, हमें यहाँ किसी की भी उपस्थिति स्वीकार नहीं है। किंतु मेरी उपस्थिति से आपको तनिक भी कष्ट नहीं होगा। सुने हिमालय राज, आज्ञा करें कैलाशपति। आप अपनी पुत्री को साथ ले जाना भूल गए, कृपया इन्हें भी साथ ले जाए। आओ पुत्री पार्वती। अवश्य यही होंगे। जहां चंदन होगा सुगंध भी वही होगी। तो भगवान शिव कैलाश से अदृश्य होकर यहां प्रवास कर रहे हैं। वैसे ब्रह्मदेव हो या महादेव, नारद की दृष्टि से दूर कैसे जा सकते हैं? और नारायण, नारायण तो मनवाणी से भी कभी दूर नहीं जाते। नारायण नारायण ऋषि, आप यहाँ पर कैसे? क्यों नंदी, हमसे बचकर भाग रहे हो? मैं नहीं देव ऋषि, वो तो भोलेनाथ। नंदी, तुम हो या तुम्हारे भोलेनाथ, नारद की दृष्टि से दूर नहीं जा सकते। अच्छा नंदी, हमें ये बताओ कि तुम और भोलेनाथ कैलाश से अदृश्य क्यों हो गए? ये तो भोलेनाथ ही जाने। नारायण नारायण, तुम भी तो कुछ जानते होगे नंदी। कहीं ऐसा तो नहीं
कि वैराग प्रकट करने वाले भगवान भोलेनाथ के मन में अब अनुराग जाग गया हो और इसी कारणवश पार्वती का सामिप्य पाने हेतु वो यहाँ आ गए हो। ये सब मुझे कैसे ज्ञात होगा देवऋषि? तो फिर मैं पूछकर ज्ञात कर लेता हूँ ना। अरे मुझ पर कृपा करें देवऋषि, आप उस ओर ना जाएं। भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन है, वो किसी से मिलना नहीं चाहते। मुझसे भी नहीं? नारायण नारायण। अरे नंदी, मैं उनका परम भक्त हूँ। भगवान भोलेनाथ मेरी वाणी सुने बिना नहीं रह सकते और मैं उनके दर्शन किए बिना। मुझे जाने दो। पर देवऋषि, जो करता रहेगा पर वो शीघ्र जाएगा मर। मुझे जाने दो। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। नारद, तुम यहां भी चले आए? क्या करूं भगवान, आपके दर्शन के बिना मुझे चैन कहां। भगवान, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि आप कैलाश त्याग कर यहां क्यों आ गए? हम एकांत खोजने यहां आए हैं और तुम हमारे एकांत में विघ्न न डालो। नारायण नारायण। जा रहे हैं देवऋषि? हाँ नंदी, जब नारद का वश नहीं चला तो अन्य कोई यहाँ आकर कर भी क्या सकता है। कुछ समय पूर्व हिमालय राज परिवार सहित यहाँ आए थे। परिवार? हाँ, हिमालय राज के साथ उनकी पत्नी मैना रानी, उनका पुत्र मैनाक तथा उनकी पुत्री पार्वती भी थी। अच्छा, पार्वती भी आई थी? वे सब निराश होकर लौट गए। भगवान भोलेनाथ ने जो आपसे कहा वही उन लोगों से भी कहा था कि हमें एकांत चाहिए। लगता है अब वो समय समीप आ गया है। कैसा समय देवऋषि? नंदी, शक्ति ने जिस उद्देश्य से पार्वती के रूप में जन्म लिया है उसके पूर्ण होने का समय समीप आ गया है। भगवान भोलेनाथ कितने ही प्रयत्न कर ले किंतु शक्ति को विलग नहीं रख सकते। शक्ति शिवजी के समीप आएगी, अवश्य आएगी, शीघ्र ही आएगी। नहीं, हमें यहां किसी की उपस्थिति स्वीकार नहीं। हिमालय राज, आप अपनी पुत्री को साथ ले जाना भूल गए हैं। पार्वती, तुम वहां से उठकर यहाँ आ बैठी। जब तुम वहां से यहाँ आ सकती हो तो क्या हम वहां से यहाँ नहीं आ सकती? क्यों तंग कर रही हो? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या बोलती हो पार्वती तुम? हम तुम्हारी सखियां हैं, क्या हम तुम्हें तंग करेंगे? हमारी चेष्टा तो यही रहती है कि हम वही करें जो तुम्हें अच्छा लगता हो। अच्छा, अब बताओ क्या हुआ था जब तुम हिमगिरी शिखर पर गई थी? क्या बताऊं, भोलेनाथ किसी को भी अपने सम्मुख देखना नहीं चाहते। उन्हें एकांत चाहिए, एकांत। इतना समझ लो पार्वती कि देवर्षि नारद जी की भविष्यवाणी के अनुसार भगवान शिव तुम्हारे पति होंगे और तुम उनकी पत्नी। विधाता के इस लेख को कोई नहीं मिटा सकता। वे भले ही तुमसे दूर रहना चाहते हो किंतु तुम कैसे उनसे दूर रह सकते हो? तुम्हें उनके समीप जाना ही चाहिए, उनके मन में अपने प्रति अनुराग उत्पन्न करने के लिए। गई तो थी किंतु वे रुष्ट हो गए, तुम दोनों ने भी देखा था। हो सकता है तुम्हारे पुनः जाने पर वो पुनः तुमसे रुष्ट हो जाए। तो क्या मैं बार बार जाकर उन्हें रुष्ट करती रहूं? नहीं सखी, ऐसी बात नहीं है। सत्य तो ये है कि प्रिय को प्राप्त करने के लिए प्रिय की प्रत्येक वस्तु को प्रिय मानना पड़ता है। यहाँ तक कि प्रिय के क्रोध को भी प्रिय मानना पड़ता है। वे भले ही मुझसे रुष्ट हो जाए, मुझे अपने से दूर करने की चेष्टा करें, किंतु मैं उनके रोष को भी प्रेम मानकर उनसे मिलने अवश्य जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी। सती का दृढ़ निश्चय उसके मन में स्थित प्रेम का प्रतीक था। ये सत्य है कि आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय दुर्बल मन व विचारों पर विजयी होते हैं।
स्थिति इससे विपरीत होने पर प्राणी की वैसी ही दयनीय दशा हो जाती है जैसे आकाश में भटकते देवगण की हुई। सुना है भगवान शिव कैलाश से अज्ञातवास के लिए चले गए, और यदि शिव शंकर इसी प्रकार अज्ञातवास में रहे तो हमारी क्या दशा होगी? अब तो तारकासुर के अत्याचार सहन नहीं होते देवराज। ब्रह्मदेव के पास सहायता के लिए जाते हैं तो वे कहते हैं प्रतीक्षा करो, अभी समय नहीं आया। शिवजी के पास जाते हैं तो वे भी यही कहते हैं। स्थिति यह है कि तारकासुर को वरदान ब्रह्मा जी ने दिया है और उसका वध केवल शिवपुत्र द्वारा ही होगा। अब तो ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक में नहीं है, वो भी कहीं अज्ञातवास में चले गए हैं। ब्रह्मदेव और शिवजी का इस प्रकार अज्ञातवास में जाने का क्या कारण हो सकता है? संभव था हमारे बार बार उनके पास सहायता के लिए जाने से वे तंग आकर चले गए हों। व्यर्थ की चिंता करने से क्या लाभ है वायुदेव? कुछ लाभ नहीं होगा। हमें सिर्फ ये विचार करना है कि इस वर्तमान कष्टमय जीवन से कैसे मुक्ति पाई जाए। देवराज, जब तक तारकासुर जीवित है हम इस कष्टमय जीवन से मुक्ति नहीं पा सकते। हमारी मुक्ति के लिए तारकासुर का वध आवश्यक है देवराज। जिस दिन तारकासुर मारा जाएगा स्वर्ग का सिंहासन रिक्त होगा और हमारे देवराज पुनः सिंहासन पर बैठेंगे, तभी हम सुखी होंगे। देवराज, शीघ्र ही ऐसा उपाय करें जिससे तारकासुर और उसके साथी राक्षस मारे जाएं और हम सब तारे जाएं। क्या उपाय किया जा सकता है सूर्यदेव? ब्रह्मदेव और महादेव से मिलने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। पता नहीं ब्रह्मदेव क्यों इन राक्षसों को ऐसे ऐसे वरदान दे डालते हैं जो हमें ही कष्टों के कूप में डाल देते हैं। अनेक बार ऐसा हुआ है, जब भी ब्रह्मदेव ने किसी राक्षस को वरदान दिया है उसने देवताओं पर अत्याचार अवश्य किया है। मेरा विचार है कि हमें ब्रह्मदेव का स्मरण कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे शीघ्र ही तारकासुर के वध की व्यवस्था करें। अरे दोस्तों, हमारे स्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो, तुम उनका वध करना चाहते हो, इससे पहले कि हम तुम्हारा वध कर देंगे। ले चलो इन्हें तारकासुर के पास। महाबली तारकासुर की जय। महाबली तारकासुर की जय। कौन है वो दुष्ट? महाबली तारकासुर की जय। जो हमारे रंग में भंग कर रहा है। महाबली तारकासुर की जय। महाबली तारकासुर की जय। महाबली तारकासुर की जय। कौन है ये लोग? क्या यही रंग में भंग कर रहे थे? ये रंग में भंग नहीं, अंग भंग करने की योजना बना रहे थे महाबली। अंग भंग? ए, मदिरापान हम कर रहे हैं और मादकता तुम पर कैसे सवार हो गई? ये अंग भंग क्या होता है? ये देवता है आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। ए, चुप। मैं जानता हूँ कि ये देवता हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि ये मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते हैं, किंतु ये अंग भंग क्या हुआ? राग रंग हो सकता है, रंगा रंग हो सकता है और रंग में भंग भी हो सकता है, किंतु ये अंग भंग क्या होता है? अंग भंग का अर्थ होता है अंग को भंग करना। ए मूर्ख, तू हमको भी अपनी तरह मूर्ख समझता है? अरे दुष्ट,
सभा भंग होती है, निद्रा भंग होती है, शांति भंग होती है, नियम भी भंग हो जाते हैं। पर ये अंग भंग कैसे हो सकते हैं।